तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने इंजीनियर एसएमपी में अपने आप को थोड़ा अपडेट करा था। मैंने इतनी चीज़ें माइनिंग कर ली थी अपने लिए, 15 आयरन, 35 लैपिस वगैरह। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना एक हाउस बनाऊंगा और आयरन का आर्मर वगैरह बनाऊंगा। तो मैंने ये जगह सिलेक्ट करी है, इस एरिया को प्लेन करके अपना घर बनाते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो चुलबुल पांडे अपना घर बना रहे हैं। तो हम भी अपने जल्दी जल्दी घर बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी मैंने अपने आयरन यहाँ पे स्मेल्टिंग में लगा दिए हैं, देख सकते हो स्मेल्ट हो रहा है। तो जब तक ये आयरन स्मेल्ट हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ इस एरिया को प्लेन कर लूँ ताकि घर अच्छे से बने। तो एक शबल बना लेते हो जल्दी से, अच्छा बनी हुई है शबल में पे। तो मैं इतने मतलब इस पूरे एरिया को प्लेन कर देता हूँ, घर बनाएंगे बड़ा सा एकदम। तो मैं आपको प्लेन करने के बाद ही मिलता हूँ। तो गाइस, घर बनाने से पहले मेरे पास वुड की कमी हो रही थी, तो मैं यहाँ से वुड जमा कर लेता हूँ मेरे जल्दी से। और जो मैंने आयरन स्मेल्टिंग में लगाए थे उसकी मैंने एक एक्स और ये पिकैक्स बना लिए, ताकि मैं अभी वुड माइन कर लेता हूँ। पहले एक्स है बहुत सारे घर बनाने के लिए। तो मैं आपको वुड और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें मोड है कि अगर आप एक का वो पेड़ का एक नीचे वाला पार्ट तोड़ोगे मतलब वुड, तो पूरा पेड़ अपना पूरा टूट जाएगा। तो ये मोड अच्छा है, इससे ना वुड कलेक्ट करने में थोड़ी आसानी होगी, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। तो मैं जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेता हूँ वुड। हो गया है पूरा। और अरे ये क्या मिला, गोल्डन एप्पल। भाई सही है भाई, गोल्डन एप्पल मिल गया। अब तो अगर कोई पी करेगा तो मेरे सही हो जाएगा, मेरे को एक्स्ट्रा हार्ट मिल जाएंगे और मैं थोड़ा ताकतवर हो जाऊंगा मतलब। तो चले और वुड तोड़ लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि घर भी बनाना है। अरे गोल्डन एप्पल दिखाना है, पेड़ तोड़ना है। हाँ तो गाइस, मैंने कुछ इतना एरिया प्लेन कर लिया अपने लिए, और यहाँ पे मैंने स्टेयर्स भी लगा ली ताकि मैं ऊपर वहाँ घर पे जा सके वगैरह वगैरह। और मैंने अपने लिए आयरन का आर्मर भी बना लिया है, मतलब सिर्फ एक चेस्ट प्लेट ही बना पाया, और टूल्स और शील्ड वगैरह बना लिया। तो शील्ड मैं पहन लेता हूँ अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे घर बनाना शुरू करते हैं। ये पिलेजर कहाँ से आ गए, अब इनसे फाइट करनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सारे विलेजर्स को मार दिया है और मेरे को उनका ये बैनर भी मिल गया है, जिसे मैं अपनी शील्ड पे लगाने का ट्राई करता हूँ। पर शायद मेरे को लगता है पॉकेटेशन में नहीं लगेगी। एक सेकेंड, ही क्या हुआ, फिर से ट्राई करता हूँ, शायद लग रही है। ये शील्ड रखी, डिवाइनर रखा, वो लग गई। वाह, मेरे को लगा था पॉकेटेशन में नहीं लगती भाई, मेरे को लगा था जावा एडिशन में ही लगती है। चलो इसमें लग गई है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी शील्ड कैसी लग रही है। तो अब देख लो, ये रही मेरी शील्ड। अब उनका बैनर मैं अपनी शील्ड पे लगा के घूमूंगा। अरे चुलबुल भाई खाना मांग रहे हैं, चलो उनको खाना देते हैं। और तो गाइस, मेरे घर का कुछ इतना डिज़ाइन बन चुका है, मतलब यहाँ पे इतने वुड वुड मैंने लगा दिए, और इसको बनाने में बहुत वुड लगा है, जिसकी वजह से मेरा सारा वुड ख़त्म हो गया है। सिर्फ तीन ही, देखो तीन ही बचे हैं, मेरे को और थोड़े वुड्स लाने पड़ेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़े से और वुड कलेक्ट करके आता हूँ। चलो फिर वुड कलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो मैं उस साइड जाता हूँ जहाँ पर पहले पिछले बार भी गया था, वहीं पर मेरे को वुड मिल जाएंगे बहुत सारे। जल्दी जल्दी चलते हैं और वुड कलेक्ट करते हैं। तो गाइस, और वुड लाने के बाद मैंने अभी तो कुछ इतना ही बना लिया है। और जो सेम साइड आपको इधर देख रही है, मेरे को यही सेम साइड चारों तरफ करनी है, फिर इस पर ग्लास लगाने हैं। तो चलो जल्दी जल्दी यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ। मैं पहले स्टेयर्स लगाता हूँ यहाँ पे, एक दो तीन, और यहाँ पे प्लैंक्स लगाता हूँ पूरे, एक दो तीन, मतलब तीन तीन का वो लगाने समझा। तो इधर लगा देता हूँ, एक दो तीन, अलग किनार लग गया। और इधर स्टेयर्स में स्टेयर्स खत्म हो गया, नहीं है तो स्टेयर्स भी लगा देता हूँ। जैसे क्या हो गए, प्लैंक्स खत्म हो गए, सॉरी गाइस एक सेकंड, प्लैंक्स मैंने बना लिया ये, और यहाँ पे स्टेयर्स लगाता हूँ, मैंने लगा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा तो नहीं लग गया, ठीक है क्या, अभी ऊपर तक जाएगा पूरा, एक दो एक दो तीन, अरे वहाँ पे नहीं, ठीक है। अब इधर भी लगा देते जल्दी से स्टेयर्स, एक दो तीन, और अभी ऊपर के जगह लगाए थे, एक दो तीन, इधर भी लगाता हूँ, एक दो तीन, ठीक है लग गए। अरे पांडी, आपको हेलो बोलने को बोल रहा था, शेर नहीं बोलना था सबको। तो इनका कुछ घर आप देख लो। अब मैं जल्दी से जाता हूँ अपना घर बनाना भी स्टार्ट करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे पांडे जी गुस्सा क्यों कर रहे हो, जा रहा हूँ बस, अब बंदूक बंदूक मत चला दे रहा मेरे पे भाई, भागो यहाँ। यहाँ पे आ चुका हूँ अपने फिटनेस देखने की, सब मेल्ट हो गया कि नहीं हो गया, और ये गेम लैग क्यों रहता है। अरे फिर आ गए पांडे जी, अब क्या हो गया, क्या चाहिए आपको, एक सेकेंड फिटनेस में से क्या देख रहे हैं मेरे, क्या करूँ मैं, अब चेस्ट खोल दी। अरे क्या चाहिए पांडे जी आपको, मेरे से बोलो ना, मैं देता हूँ। और आप सब तो मेरा घर देखो, मैंने कुछ इतना बना लिया है, और ये फर्नेस एक सेकेंड, हाँ इसे लगा देता हूँ मैं। अरे वुड कैसे आ गया है, क्या हो रहा है, ये ग्लिच हो रहा है भाई, क्या कर रहे हैं पांडे जी।
मत करो भाई, मेरे को करने दो मेल्ट। अरे वुड ले ली मेरी भाई, पता नहीं क्या हो गया पांडे जी को, क्या कर क्या रह गए। चलो मैं तब तक आपको अपना घर का दिखाता हूँ थोड़ा। मैंने क्या स्टेयर्स लगा, अरे फिर गिर गया, फिर से चलो ऊपर। भाई बार बार क्यों गिर रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ तो भी यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ और ये जगह आप देख सकते हो, इतना कुछ बनाया मैंने। और यहाँ से नज़ारा भी देख सकता हूँ मैं बाहर आके लोगों का, और ये पांडे जी का घर भी यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो मैं जल्दी जल्दी ना इसे और आगे बढ़ा सकूँ, और वहाँ पे मतलब इसे थोड़ा और अच्छा इंटीरियर वगैरह भी सजाता हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ इस घर को। और ये वो देख सकते हो हमारा एडमिन है, ये मत बोलना कि क्रिएटिव में खेल रहा है वो इंसान। तो चलो फिर आगे का घर बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो मेरा घर बस कंप्लीट होने ही वाला है, मैं अभी यहाँ पे अपने घर की वो बना रहा हूँ छत की, वो जो होती है ना स्टेयर्स टाइप के, उसे कुछ डिज़ाइन देंगे जैसे विलेज के घर के ऊपर होता है ना, वैसे ही कुछ टाइप का। तो अभी मैं यहाँ पे स्टोन लगा रहा हूँ, जल्दी जल्दी स्टोन लगाते हैं और घर भी जल्दी सब बन जाते हैं अपना अच्छा सा बढ़िया सा। तो गाइस अभी मेरे पास ग्लास की कमी हो रही थी, तब तक मैंने ग्लास सैंड को लगा दिया है वो करने के लिए मेल्ट करने, गिर गया। तो तब तक आप देखो मेरा घर सामने से कुछ इतना बना दिया मैंने स्टेयर से डिज़ाइन वगैरह। और कमेंट में बताना मेरा घर कैसा लग रहा है, मतलब हाँ देख बता देना कैसा लग रहा है। और यहाँ अंदर टॉर्च वॉर्च लगा दिए, सही से कर दिया, क्योंकि स्पॉन हो जाते हैं मॉब वो फिर मारने लगते हैं। और ये कितना हो गया अभी तो 21 ही हुए हैं, जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाए फिर मैं ग्लास व्लास लगाऊँ अपने घर पे, और फिर आपको पूरा घर का लुक वगैरह दिखाऊँ कि कैसा बढ़िया सा बना हमारा घर। तो जल्दी जल्दी तो गाइस कोबर स्टोन की कमी पड़ रही थी, तो थोड़ा कोबर स्टोन भी माइन कर लेता हूँ जल्दी से। मैं पिछली बार यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे मैंने देखा था, हाँ गिरा यहाँ से सीधा नीचे को चल के यहाँ से देखते हैं, मतलब कोबल स्टोन माइन करता हूँ मैं जल्दी जल्दी। टॉर्च लगा पहले तो सबसे पहले, और यहाँ पे थोड़ा सा कोल भी अपने लिए कोल भी ले लेंगे टॉर्च वॉर्चेस बनाने के लिए और मेल्ट करने के लिए सामान वगैरह। तो चलो से जल्दी जल्दी मैं माइन करता हूँ। तो गाइस वो घड़ी आ चुकी है जब मैं आपको दिखाऊंगा अपना घर, प्यारा सा एक घर। हाँ जैसे कि प्राइवेट में तो देख ही नहीं होगा सबको, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो अब मैं अपना घर दिखाता हूँ, 1 2 3। तो ये देखो अब मेरा कुछ ऐसा सा घर बना है, हाँ मतलब अच्छा ही है, मेरे को तो अच्छा लगा। आप कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। और हाँ नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, आप इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ इस वीडियो को ज़्यादातर अपने लोगों के पास शेयर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करना, सब जगह फैला दो मेरी वीडियो। और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।